नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार सदन में विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के हंगामे को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुर्खियां बटोरने की कोशिश करार दिया। जिस दौरान पंजाब विधानसभा के स्पीकर का चुनाव हो रहा था, उसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामे पर उतर आए। आम आदमी पार्टी के विधायक राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चाहते थे। उन्होंने सरकार पर बहस न करवाने का आरोप लगाया, जिसका जवाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया। कैप्टन ने कहा कि सिर्फ वोट ऑन अकाउंट था, जब बजट सेशन होगा तो विपक्ष को पूरा मौका दिया जाएगा। तो पहला ए वाला एजेंडा आइटम सी, तो एदे विच बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट रखी गई और ओदे विच ए जो उन्होंने दिता सारे सेशन दे विच एक भी मिनट ओपोजिशन नू डिबेट दे वास्ते नहीं दिता सारे सेशन। मेरा ख्याल है ये डेमोक्रेसी के इतिहास में पहले बारी होया होगा कि सारे सेशन दे विच एक भी मिनट जो ओपोजिशन नू डिबेट वास्ते ना दिता जावे। वोट ऑन अकाउंट के बाद होती है बजट सेशन। जो ये आज ये गवर्नर्स एड्रेस होगा वो इन दी बजट सेशन, उसमें डिस्कशन होगी। जितने दिन चाहेंगे उसमें इतने दिन हम दे देंगे। पर आज शोर मचाना का वो नहीं ऑब्जेक्टिव था, ये तो बस अखबारों में आना चाहते हैं। उधर सूबे के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आम आदमी पार्टी पर बेवजह हंगामे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को काम तो शुरू करने दो, उसके बाद बहस के लिए पूरा समय दिया जाएगा। असी 77 बंदे गल कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, वाजिब कह रहे हैं। असी तुहानू डिबेट डिनाई नहीं कर रहे, तुहाडा लीडर उत्थे जाके ब्रह्म साहब नाल बैठा है, उत्थे जाके उन्हें सारा कुछ डिस्कस किया। हुण एवें रौला पाउणा ते रौला पाई जाओ, रौले नाल कुछ नहीं होना। असी इहनां नूं टाइम देंगे, दो तीन महीने सरकार च ड्यूटी, तुसीं सरकार दी कारगुजारी दे उत्ते गल करो ते असी ठोकवां जवाब भी देंगे। सरकार की दलील है कि अभी सिर्फ वोट ऑफ अकाउंट था, बजट सत्र में विपक्ष के विधायकों को पूरा मौका मिलेगा। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। राणा केपी सिंह को पंजाब विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। सर्वसम्मति से उनके नाम पर सभी ने मुहर लगाई। पंजाब विधानसभा के नव निर्वाचित स्पीकर राणा केपी सिंह ने कहा कि वे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। श्री आनंदपुर साहिब से विधायक राणा कंवरपाल सिंह को पंजाब विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उम्मीद जताई है कि राणा केपी सिंह इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएंगे। राणा केपी ने कहा कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सदन के सदस्यों की तरफ से सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि वो आए हैं और बहुत सुलझे हुए इंसान है और बहुत अच्छे स्पीकर रहेंगे। जेडी ये जिम्मेदारी देती है, ये मेरी हुण वड्डी पहल होएगी कि जिस उम्मीद नाल मेरे नेता सदन दे नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने और तमाम सदन दे जिहड़े मैंबर साहिबान है और तमाम जिहड़े साडे सीनियर वजीर साहिबान ने होर सारे साथी ने जिस सोच दे नाल मैनूं इह जिम्मेवारी दित्ती है, मैं पूरी वाह लाऊंगा कि इहदे ते पूरा उतर जा सके। विधानसभा स्पीकर ने साफ किया कि वो निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ते हुए पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे। विरोधी पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। मैं सारिया तरह लेके चलूंगा, मेरे लिए सारे सत्कार योग ने, बल्कि सत्ता पक्ष नालों जिहड़ा विरोधी पक्ष है उन्हां नूं ज्यादा तरजीह दे के उन्हां दी गल सुन के उन्हां नूं पूरा मौका दे के असी सारिया नूं इकट्ठे करके लेके चलण दी कोशिश। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि स्पीकर राणा केपी सिंह अपनी इस नई जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। चंडीगढ़ से जगतार सिंह, जी मीडिया।
पंजाब विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 15वीं विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली, लेकिन खराब सेहत का हवाला देकर वो विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। सोमवार को पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने विधायक पद की शपथ ली। उन्हें विधानसभा स्पीकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम सुखवीर बादल भी उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि खराब सेहत का हवाला देकर पूर्व सीएम विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। प्रकाश सिंह बादल ने जनहित के फैसलों में नई सरकार को बिना शर्त समर्थन का भरोसा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तय समय के बाद ही सरकार के कामकाज को लेकर टिप्पणी करेंगे। जो कुछ पब्लिक का फतवा है उन्हें असीं मानते हैं और गवर्नमेंट को शुरू करते हैं कि जो भी पंजाब के हित देवते हैं उसे असीं अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। जो पंजाब के या देश के हित की गल असीं कुछ समा उन्होंने देंगे कोई नुकता च नहीं है। SYL के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने कांग्रेस सरकार के स्टैंड लेने का इंतजार करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे होने चाहिए। उन्होंने इसके लिए बकायदा कानून लाए जाने की वकालत भी की। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने विधानसभा चुनाव में मिली हार को स्वीकार करते हुए कहा कि जनता का फैसला उन्हें मंजूर है। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, जी मीडिया। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला छोड़कर सरकार अब अपने वादे पूरे करे और काम करके दिखाए। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस सरकार को जनता से किए वादे पूरे करने की नसीहत दी है। 10 साल से पंजाब की सियासत पर राज करने वाली शिरोमणि अकाली दल अब सत्ता से बाहर है। पार्टी अब सरकार के कामकाज पर नजर रख रही है, साथ ही सवालों का जवाब भी दे रही है, आरोपों पर पलटवार भी कर रही है। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सरकार को नसीहत दी कि इल्जाम ना लगाएं, काम करके दिखाएं। सी उन्होंने चाहिए है कि असी जो बादल साहब ने काम किए तो दुगना करके दिखाएं। फिरता उन्होंने जित होगी, पहले बोलने नहीं काम करके दिखाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव से पहले पंजाब के किसानों से कर्जा माफी का वादा किया था। सरकार में आने के बाद उनकी पहली कैबिनेट में इसको लेकर मंथन भी हुआ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात भी की, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब वादे को पूरा करो, पीछे मत हटो, हम आपके साथ हैं। वही कमिटमेंट अपने कैप्टन साहब ने की थी, इतने कह रहे कि मैं माफ करूंगा। सो हूँ लोग डिग रहे हले तो 15 दिन हुए बहुत वादिया। मोदी साहब माफ करन, असी भी चाहते मोदी साहब सारे देश भर के किसानों का करन, लेकिन कैप्टन साहब तुसी तो ये बावजूद आप फैसला दिता सीगा, आप लोगों को वादा किया सी, हुण अपने वादे तो पिछे नहीं, अगे होके हटो ते इन्हां नूं पूरा करो। पंजाब में नशे पर भी खूब सियासत हुई, जहां शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस पर नशे के नाम पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने
चार हफ्तों में नशा खत्म करने का वादा किया, लेकिन अब विरोधी कैप्टन के चार हफ्तों का इंतजार कर रहे हैं। तुसी चार हफ्तों से गुटका साहब की सौं खाधी सी, नशे मुक्त करोगे तुसी पंजाब तो? 10 दिन निकल गए ने, 20 दिन बचे ने, झूठी सौं नहीं खानी चाहिए, झूठे वादे नहीं करने चाहिए। हालांकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल जनहित के कार्यों में सरकार का सहयोग करने की बात भी कह रहे हैं। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी उम्मीद जाहिर की है कि पंजाब की अमरिंदर सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगी और भरोसे पर खरा उतरेगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किसानों की हालत सुधारने की खातिर बड़े कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। पंजाब की नई सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए फैसले पर फैसले ले रही है। कैप्टन की अगुवाई में मंत्री से लेकर पार्टी के विधायक और जिलों के अफसर पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भी पूरी उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना काम ईमानदारी से करेंगे और जो फैसले उनकी सरकार ने लिए हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। मुझे तो लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना काम ईमानदारी से करने की इच्छा उनकी है और जो निर्णय उन्होंने लिए हैं मुझे लगता है कि वो उसको पूरा करेंगे। पंजाब का किसान नई सरकार को काफी उम्मीदों भरी नजरों से देख रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों की कर्ज माफी के वादे के साथ ही सत्ता में आए हैं, लिहाजा डॉक्टर चंद्रा का भी मानना है कि नई सरकार को किसानों के लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे। किसानों को एक टाइम बाउंड रूप से 2 से 4 साल 5 साल का एक कार्यक्रम सरकार हाथ में ले ताकि पंजाब की जमीन फिर से सोना उगलना शुरू करे, उनको पूरा ऑर्गेनिक की तरफ, जैविक खेती की तरफ उस दिशा में ले जाना चाहिए। पंजाब में खेती योग्य जमीन बहुत कम रह गई है, जमीन की गुणवत्ता कम होती जा रही है। डॉक्टर चंद्रा ने खेतों में पड़ने वाले केमिकल्स को इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पिछली सरकारें पंजाब की जमीनों को बचा सकती थी। केमिकल यूज करने के क्या नेगेटिव हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं वो बताया तक नहीं, जबकि पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है और भी साधन है, लोगों को उससे बचाया जा सकता था, जमीन को, पंजाब की जमीन को बचाया जा सकता। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर जनता से किए वादों पर खरा उतरेंगे। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब में फैलते नशे पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी चिंता जताई है, साथ ही उन्होंने नई सरकार से उम्मीद जताई है कि पंजाब में केबल कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। पंजाब में नशा न सिर्फ एक बड़ा मुद्दा है बल्कि एक बड़ी समस्या है। कैप्टन सरकार पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए अग्रसर दिखाई दे रही है। उन्होंने सत्ता में आते ही अपने इरादे साफ कर दिए, तो पंजाब में फैलते नशे पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने चिंता जताई है। डॉक्टर चंद्रा मानते हैं कि सरकार को नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। नेचुरली ड्रग्स की बड़ी बहुत भारी समस्या, तो मुझे यहाँ तक बताया गया कि जो सरकार के बहुत पैसे लग के ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर खुले वहाँ पे भी लोगों को जाने नहीं दिया गया। केवल इसलिए नहीं जाने दिया गया कि अगर वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे नफरी ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी तो सरकार की बदनामी है। सरकार खास करके ड्रग रिहैबिलिटेशन के ऊपर बहुत वार फ्रंट पे काम करना चाहिए। पंजाब में पिछली सरकार के दौरान प्रेस की आज़ादी पर मानो पाबंदी सी लग गई थी। केबल नेटवर्क पर एक परिवार का दबदबा होने के चलते पंजाब की आवाम लोकतंत्र की सही तस्वीर नहीं देख पाती थी। आपके अपने पसंदीदा चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की भी आवाज बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को मिले लोगों के प्यार ने ऐसा होने नहीं दिया।
अब सूबे की सत्ता बदल गई है, मुख्यमंत्री बदल गया है। नए मुख्यमंत्री ने प्रेस की आजादी के संकेत दिए हैं। पहली कैबिनेट पर इसको लेकर मंथन भी हुआ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भी नई सरकार से उम्मीद है कि पंजाब में केबल कारोबार फिर से शुरू होगा। माफिया वगैरह तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये सिंपल ये कहता हूं कि जैसे इस पंजाब में केबल का नेटवर्क जो था वाज कंट्रोल्ड बाय सिटी नेटवर्क, वो उन्होंने सरकार आई उन्होंने छीन लिया। हमने डिमांड की है सरकार से कि हमारा बिजनेस हमें वापस दिलवाया जाए। तो आई होप द गवर्नमेंट एक्ट्स अगेंस्ट दिस स्नैचिंग व्हिच हैड हैपेंड। सो स्नैचिंग टू मेनी इन मेनी थिंग्स हैज हैपेंड, सो दे हैव टू गेट डाउन टू वर्किंग। जी टीवी ते सुभाष चंद्रा जी ने एक बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया सी। उन्होंने एक गल वासे कही सी कि भाई मीडिया ते आजाद होना चाहिए ते पंजाब च मीडिया गुलाम क्यों है। उन्होंने सारे मीडिया की गल की थी। मैं समझना कि असी सुभाष चंद्रा जी की जिहड़ी गल है वह सरकार उस ते अमल कर रही है। प्रेस की आजादी लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। अगर लोगों को अपनी सरकार के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी, उनके सामने सच्चाई और निष्पक्षता से खबरों को नहीं रखा जाएगा, तो इससे लोकतंत्र का महत्व ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रेस की आजादी बेहद जरूरी है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। पंजाब में गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए, ये कहना है पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का। मीडिया को भी पंजाब की नई सरकार से इसे लेकर काफी उम्मीदें हैं। पंजाब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में केबल पर एकाधिकार के अंत का वादा किया था। पंजाब में गुरबाणी के प्रसारण और केबल के एकाधिकार के मसले पर बादल छंटने की उम्मीद बढ़ गई है। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का कहना है कि गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार हर उस कंपनी को मिलना चाहिए जो उसका प्रसार करना चाहता है। जेडी है श्रोमणी कमेटी दी इस वेले कि सिर्फ एक खास कंपनी नू फायदा पहुंचाउण दे वास्ते उन्हां नू ये ठेका दिता गया। पहली गल तां दरबार साहब ठेका क्यों होवे, जिस दा मन करदा है। दक्कण दे लोग है, चीन दे लोग है, अंग्रेज है, हबशी है, जिन्हें भी गुरबाणी सुननी है, और थोनू की इतराज हो सकता है कि अपना उत्थे मॉनिटर ट्रांसमीटर ला के ते गुरबाणी उत्थे पहुंचे। सो ये साड़ी बदकिस्मती है, मेरी कौम की बदकिस्मती है कि ये बागडोर उन्हां लोगों के हाथ च है जिन्हां की सोच जिहड़ी है वह बहुत सीमित है। वही कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह का कहना है कि गुरबाणी के प्रसारण के अधिकार के लिए ओपन टेंडर प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, जहां पर हर इच्छुक कंपनी अपनी दावेदारी पेश कर सके। उन्होंने कहा है कि नई सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि श्रोमणी कमेटी सिर्फ एक चैनल नु गुरबाणी दे राइट देने वास्ते कि बाकियां नु देने चाहिए गी। देखो देना सारे नु चाहिए था, ओपन टेंडर होने चाहिए, लेकिन हुण जिहड़े पिछले उन्होंने काम कीते हो उन्हां ते की कारवाई हो सकती है इस समय दसो। नई सरकार अपने वादे मुताबिक आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जो मीडिया संस्थानों की बेहतरी की दिशा में अच्छा कदम साबित हो सकता है। प्रीत प्रिंजा के साथ जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब में अभी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला लुधियाना से सामने आया। स्थानीय लोगों ने पवित्र गुटखा साहब की बेअदबी करने वाले को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। निजाम बदल गया है, लेकिन बेअदबी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला लुधियाना के नूरवाला रोड स्थित कॉलोनी से सामने आया है। यहां गुरुद्वारे के नजदीक पवित्र गुटखा साहब की बेअदबी हुई, जिसके बाद से लोगों में रोष है। हालांकि आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरोपी किराए का घर खाली करने जा रहा था, उससे पहले उसने इस घटना को अंजाम दिया। किराए ते एक नशेड़ी किस्म का बंदा रहिंदा जी, जिहदे द्वारा है गुरु द्वारा मतलब अपने गुटखा साहब जी दे बेअदबी की गई है। किन्ने बजे देखे गए गुटखा साहब? ये सवेरे 7 बजे की गल है जी, 7:30 बजे दे। हूँ असं हाँ जी हाँ, प्रशासन ने साडा पूरा सहयोग दिता है। उन्होंने बड़ी मतलब साफ स्पष्ट गल की भी जो भी सज़ा उन्होंने मिलेगी उस तो पूछांगे सब तो सख्त सज़ा दी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया है। एक हरप्रीत नाम का व्यक्ति है, 25 साल का हैगा है। वो जिहड़ा उन्होंने जपजी साहब दे गुड़का साहब उन्होंने घरे सीगे,
ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪਾੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਆਰੋਪੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਥਾ, ਠੀਕ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। वहीं बेअदबी के मामलों को लेकर सूबे की सियासत भी गर्मा गई। बेअदबी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने नई सरकार को निशाने पर लिया है। लुधियाना में बेअदबी का मामला सामने आने के बाद सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि पहले उनकी सरकार पर आरोप लगते थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी ये मामले नहीं रुके। हालांकि बादल साहब नई सरकार को समय दिए जाने की बात कह रहे हैं। वहीं हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि अब तो बादल परिवार सत्ता से बाहर है, फिर धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी क्यों हो रही है? गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर जो हमले हुए थे उसका भी सीधा सीधा हमारे परिवार के ऊपर उन्होंने निशाना साधा। तो अब तो हमारा परिवार सत्ता में नहीं है, हमारी पार्टी सत्ता में नहीं, तो अब गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं? और दूसरी बात मैं ज़रूर कहूँगी कि अब तो आपके कांग्रेस की सरकार है, इधर एनडीए की सरकार है, ज़रूर सामने लेके आइए किसने किया। हिम्मत है तो लेके आइए, हमने तो पकड़ा था करने वालों को, पर आपने अपना दुष्ट प्रचार मीडिया में ऐसा कर दिया कि हमें एक्शन नहीं लेने दिया। वहीं बेअदबी के ताज़ा मामले पर सरकार की तरफ से राणा गुरजीत सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के मामले रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी। देखो कमेटी बारे मुख्यमंत्री साहब दसणगे, डिपार्टमेंट होम उन्होंने कोल है, लेकिन इहदी जिन्नी निंदा की जाए वो थोड़ी है, लेकिन साड़ी सरकार जिम्मेवारी इस काम में लोगों इस गल का विश्वास तो होने कि इसकी तह तक पहुँचा। और जिहड़े वतन दुश्मन लोग ने जिहड़े पंजाब दे विच अमन कानून की व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं उन्होंने जल्द ही कानून के शिकंजे विच लिया जाएगा। ये वाकई कोई देश के दुश्मन होने हैं जिहड़े पंजाब दे विच अमन नहीं चाहते, पंजाब का अमन जिहड़ा उन्होंने नहीं पसंद, और इन्हों सदा सदा लई दफन करना ये पंजाब सरकार का अज़म। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने चुटकी जरूर ली, लेकिन नई सरकार को और समय देने की बात कही है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ पंकज कुपाही, जी मीडिया, दिल्ली।